तो भाई जो निकालनी है जो गेहूँ की जो बुआई के बाद जो कटाई के बाद ईख बुआई की थी, तो ये निकालनी है 100 क्विंटल एक बीघा की, और ये पेड्डी निकालनी है पूरी 125-30 क्विंटल एक बीघा में। तो उसके लिए मेहनत बहुत ही ज़रूरी है, दवाइयाँ हैं टाइम पर जो कि लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो पेड्डी है इसकी लंबाई काफ़ी होगी, ऊँचाई आप देख सकते हैं करीबन 11 फुट की जो लंबाई इसकी हो चुकी है, और इस पर लगातार यहाँ पे हम खेत में चल रहे हैं, यानी कि इस पर टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है। और ये इसमें दिखा दूँ पहले सारे में घूम गए, ज्ञात बढ़िया है इसका, और स्प्रे चल रही है। स्प्रे के बारे में भी बता रहा हूँ कौन सी स्प्रे आपको करनी है, बहुत ही बढ़िया स्प्रे हैं, आपके काम आने वाली हैं। और ये समय चल रहा है खेत में ज़्यादा रोग लग रहे हैं बारिश की वजह से, और इसमें भी एक रोग है उसकी दवाई आगे जो बताने वाले हैं कौन सी दवाई, ये सब रोग है इसमें, इससे मुक्त करेंगे इसे और इसका जो उत्पादन लेंगे 100 क्विंटल एक बीघा में। यू बन गया सारी दवाइयों का घोल, और कितने लीटर की है यू? 25 लीटर की जो टंकी है इसमें उसी हिसाब से एक टंकी की जो दवाई पूरी आ गई, अब करेगा भाई स्प्रे। स्प्रे की है बहुत ही बढ़िया स्प्रे है, और सभी किसान भाइयों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्प्रे है इस टाइम पर वो बताने वाले हैं। और इस भी आप देख लो किस तरीके से, एक ये पेड्डी का खेत है करीबन 15 फुट का जो गन्ना, यहाँ पे कोई कोई जो गन्ना है वो 15 फुट का वो हो गया है। तो स्प्रे भाई दिखा रहे हैं कि कोई सी स्प्रे करी है। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं पोक्का बोन के लिए, ये COC है, ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसमें ये पोक्का बोन के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। और अगर हमारा टॉप बोरर लगता है और पोक्का बोन दोनों साथ में है तो हम M-Star टॉप का यूज़ करेंगे, और उसके साथ हम अलीका को भी मिला सकते हैं। अलीका भी बढ़िया काम करेगी इसमें, इसमें थायो और लैम्बडा होता है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका टॉप बोरर और उस पोक्का बोन के लिए। अगर हमारे खेत में अकेला पोक्का बोन लग रहा है तो हम COC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ अलीका भी मिला सकते हैं। अच्छा, COC में एक कमेंट आई थी पिछली वीडियो में कि COC क्या काम करती है और कौन सा रोग में जो काम करती है। COC पोक्का बोन के लिए स्पेशल है, इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा होती है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, लगने के अगले दिन से ही अपना काम शुरू करती है। और हमारा क्या है, एजोक्सीट्रैबुकोनाजोल है जो ये हमारा लेट तक काम करती है, ये हमारा सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक होता है, ये तुरंत असर करती है। तो अब दिखा रहे हैं आपको पौधा जो कि गन्ने का यहाँ पे खड़ा है, उसमें स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है, और लगभग सभी खेतों में जो इस टाइम पे गन्ने के हैं ये जो रोग वो आ चुका है, ये दिखा रहे हैं, ये है वो रोग। अच्छा, ये रोग है, ये पोक्का बोइन है, पोक्का बोइन जो ये है, उसके बाद जो टॉप बोरर इसमें आ सकता है, तो इसलिए जो स्प्रे है वो बहुत ही करना ज़रूरी है, क्योंकि यही स्टेज है जो गन्ना जो अपनी ग्रोथ बढ़िया करेगा बरसात के मौसम में, गन्ना जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ करता है, और उसी टाइम पे जो ये रोग लगते हैं। तो उनकी ये दो तीन स्प्रे हैं जो बताइए भाई ने, COC लगानी है आपको, अल्ट्रा ये अलीका लगानी है, M-Star टॉप लगा, M-Star टॉप जो ये दवाई लगानी है, तो तीनों आप लगा दो अभी, चाहे टॉप बोरर या फंगीसाइड का जो भी, अगर खेत में कोई भी रोग नहीं है अभी तक, क्योंकि आने की पूरी संभावना है, और इस 0238 में तो ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये रोग है जो इसे बीज को जो ख़राब कर रहे हैं। बाकी अब जो अभी जो स्प्रे आप कर दोगे इसकी, तो उसके बाद जो ये रोग बिल्कुल नहीं लगेगा और खेत आपका जो अच्छा रहेगा, एक जो अच्छी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।